अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? सब खैर खैरियत से हो? तो जी, आज ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा अमन है जो महबूब के दिल को तड़पाने वाला अमन है, यानी मोहब्बत की तासीर का अमन। इसमें आपने ये एक नक्श तैयार करना है जो मैंने पहले से किया हुआ है। इस नक्श को तैयार करने के बाद आपने इसको मट्टी के बर्तन के दरमियान रख देना। इसको रखने के बाद आपने एक कंडा लेना है, यानी इसको बिल्कुल आपने इस पर ऐसा ही नक्शा आपने लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। ये मोहब्बत की तासीर का अमल है, यानी अगर आपका महबूब आपसे 7 समुंदर दूर भी है तो वो तड़पता हुआ आपके पास आएगा। ये मोहब्बत की तासीर का बहुत ही जबरदस्त और मुजरब अमल है। इसके बाद आपने एक बरगद का पत्ता लेना है और उस पर आपने ये नक्श लिखना है, यानी इधर आपने फलां बिन फलां जिसके लिए आप लिख रहे हैं, और अंडे की इधर आपने लिखना है अपने महबूब का नाम, यानी वो मर्द है, औरत है, महरम है, नामहरम है, आपकी आपके शौहर है। जो ज्यादातर पाकिस्तान में ये होता जा रहा है कि जो मर्द मुल्क से बाहर जाते हैं तो अपने घर की औरतों को भूल जाते हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये ऐसा ही अमल है, यानी आपके महबूब के दिल को तड़पाने वाला, जो 7 समुंदर दूर से भी वो उसको खींचता हो आपके पास चला है। अंडे को आपने कच्चा अंडा लेना है, उसके ऊपर ये नक्श लिखने के बाद इसको मट्टी के दरमियान में रख देना है। उसके बाद आपने जो पत्ता बिल पहले से तैयार किया हुआ था उसको इसके ऊपर रख देना है, इसको ढांप दें, और कुछ कुछ भी कोई से भी दरख्त के आप पत्ते ले लें और इसको फिर ऊपर से ढांप दें। इस अमल के बाद आपने कोई काले रंग का शॉपर लेना है, यानी कपड़ा नहीं लेना, काले रंग का शॉपर लेना है और इसको ऊपर से आपने ऐसे ढांप देना। ढांपने के बाद आपने इसको जुमे रात के दिन आप ये अमल करेंगे, और मगरिब की नमाज के बाद, इशा और मगरिब की दिन नमाज के दरमियान आप ये अमल करेंगे। करने के बाद आपने इस मट्टी के बर्तन को कब्रिस्तान में जाना और किसी नई कब्र, यानी जो 1-2 दिन पुरानी कब्र हो या बिल्कुल नई हो, उसके पांव की जानिब आपने इसको दफन कर देना। और ये मोहब्बत की तासीर का बहुत ही जबरदस्त अमल है। ये मैं बहुत ही लोगों को करके दे चुकी हूँ और इससे महबूब तड़पता हुआ आपके पास आएगा। और ये अमल आपने हर जुमेरात, यानी आपने 7 बार अमल करना है, और हर जुमेरात मगरिब और इशा के दरमियान में आपने ये अमल करना है।